अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आ चुके हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। पहले सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। आज ईद का तीसरा दिन है, मैं 2 दिन की स्ट्रीम भी नहीं कर पाया। ईद का फर्स्ट डे और सेकंड डे मसरूफियात की वजह से, थकावट की वजह से ऐसी नींद आई कि रात को स्ट्रीम भी मेरी जो है ना रह जाती है। तो ये गेम प्ले मेरा ईद से एक दिन पहले का पड़ा हुआ है, चांद रात का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये अपलोड कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो काफ़ी मज़े का गेम प्ले है। गेम की बात की जाए तो मैं सोलो खेल होता हूँ, मतलब 3 टीममेट होते हैं, रैंडम टीममेट होते हैं। तो मतलब सोलो ही सीन है, वो उनका भी माइक बंद होता है, मेरा भी बंद होता है। तो मतलब अपना अपना, वो भी अपना खेल होता है, मैं भी अपना खेल होता हूँ। इवेंट पे हम जो है ना जम करते हैं, सारे टीममेट मेरे साथ आते हैं टीममेट यहाँ पर, लेकिन अपने अपना जो है ना किसी ने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ था। तो लैंड करते साथ ही ना एक बंदा मेरे सामने उतर जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट में मैं टीममेट उतर जाता है, मैं जैसे ही राइट पे लैंड होता हूँ तो मुझे यहाँ पे ना विक्टर नजर आती है। मैं विक्टर उठाता हूँ, सामने बंदा उतरता है, वो भी फायर देता है, लेकिन उससे फिनिश कर देता हूँ। अब सामने वाली साइड पे जो है ना टीममेट, जो मेरे टीममेट का नॉक पड़ा हुआ था, तो मैं सबके लिए जो है ना कन्फर्म कर पाता हूँ। और इवेंट में बस यही 3 बंदे उतरते हैं जिनको हम जो है ना मारते हैं, फाइट ले रहे होते हैं। ये टिकटॉक का आखिरी, ये मेरा एनिमी रह चुका काफ़ी बार, लेकिन इस बार मेरे साथ खेल रहा था लॉबी में। तो यहाँ पे हम लूट वगैरह करते हैं, तो मुझे साउंड आ रहा होता है इवेंट के आसपास है ना बंदे हैं। मैं लूट जल्दी से करता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स जानू वगैरह ये आसपास ही था, खोता लेके इधर आ जाता हूँ ना इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए। अब ये वही बंदा जिसको मेरे टीममेट ने अभी डाउन किया है, रिकॉल होकर आया हो। तो मैं यहाँ पर मूली लेके ऊपर रश कर देता, फेंक देता हूँ, और इसके कच्चे पे जो है ना इसकी गन ग्लिच हो रही थी, इसके कच्चे पे आग लग जाती है। और ये भाई अभी भी रिकॉल होके आए होते हैं, और यहाँ पे ये जो ना डाउन हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 किल यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, लेकिन मेरे टीम में पीछे खेले होते हैं, तो उनको वो बंदे पकड़ लेते हैं जो इवेंट में बाहर उतरे होते हैं, वो उनके ऊपर जो है ना हावी हो जाते हैं। अब वो वहाँ पे अकेले होते हैं। अभी एक डाउन होगा, साथ ही पता नहीं चलता 2-3 और डाउन हो जाते हैं। अभी एक डाउन, एक को नॉक फिनिश कर दिया, दूसरा नॉक पड़ा हुआ, तीसरा पड़ा। मैं यहाँ से कवर देने की ट्राई कर रहा हूँ कि यार किसी का एंगल मुझे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। फिर मैं डिसाइड करता यार खोता लेकिन इनके ऊपर रश किया जाए। लेकिन इतनी देर में मुझे केडी मास्टर मिल जाते हैं, जो कि हमारी केडी को फिनिश करता हूँ, और बिना टाइम वेस्ट किए अपने टीममेट को बचाने के लिए निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं खोता लेके सीधा अपने टीममेट की तरफ जाता हूँ, तो वो दूसरे को भी नॉक पड़ जाता है। मुझे इतनी देर में बंदा एक्सपोर्ट होता है कि उसके ऊपर, खोते के ऊपर बैठा हुआ, मैं मारने लग, मुझे कवर भी चला जाता है। अब ये जो एक्स जानू है ये मेरे टीममेट को नॉक एंड फिनिश करते हैं, तो मैं अपने टीममेट को बचाने के लिए आगे चला जाता हूँ। दोस्तों ज़रा सब्र करो ईगल भाई, कितनी जल्दी है डीएच ईगल भाई को। यहाँ पे मैं नॉक एंड फिनिश करता हूँ, 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो जाते हैं। कि इनका टीममेट ना खोता लेके निकलता है, लेकिन मेरी टीम अच्छी जगह मैं बच जाता हूँ, क्योंकि वॉल के साथ होता हूँ, बच जाता हूँ। क्वीन होती है, पता नहीं क्या नाम है इनका, इनको यहाँ पे मारखोर को इनमें कुछ नाम ऐसा ही है। इनको मैं यहाँ पे डाउन करता हूँ, जो कि मेरे टीममेट को अभी भी नॉक फिनिश देते हैं, लेकिन मैं बचा तो नहीं सकता, लेकिन इतना कर देता हूँ कि टीममेट का बदला जगह पे मैं जो है ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाउन करता हूँ, इधर मुझे एक और बंदे का सामना करता है, वाल करता होता है, हेड पड़ता है। कहाँ भाग रहे, ये हमारे अफगानी भाई होते हैं। अब यहाँ पे ना एक लास्ट बंदा और भी होता है, जो कि बाहर वाल वाली साइड पे बैठा होता है। मुझे साउंड आ रहा होता है, ये खोते से उतरता है, तो ये जो है ना मेरे टीममेट पे रश करता है। तो वो टीममेट बना कर बंदा होता है एग्जाम, इसी ने मेरे टीममेट को पहले भी डाउन किया था, तो ये दोबारा से आ गया है। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो बंदे का, तो उसको मैं बचा के इसके पास जो है ना आगे की तरफ इवेंट खाली हो जाता है, तो आगे जाता हूँ। यहाँ पे ना रिस्क पर एक बंदे का साउंड होता था, कब से ये बोर्ड मार रहा था टैप टैप पे, तो मैं सीधा इसके ऊपर आता हूँ, तो ये बंदा जो है ना पजल हो जाता है, पैनिक हो जाता है, फ्रंट रोप करके हाथ में इसके पहन आ जाता है, जंप कर रहा होता है, तो मैं इसको टांग कहता हूँ। ऐसे ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 8 किल हो जाते हैं। फिर बंदे ढूंढते ढूंढते मैं मिड से पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे पहले से जो है ना फटा चार होता है, वहाँ 12 चार ही होती है। तो एक बंदा मुझे पहले नॉक मिलता है, मैं उसकी स्टोरी करता हूँ। अब दूसरा बंदा जो है अकेले ही रहेगा, क्योंकि दूसरे लोग करते हैं, लेकिन उसको मैं डाउन कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्री के मुझे जो है ना 2 किल मिल जाते हैं, 10 किल मेरे हो जाते हैं। अब सामने मिडसन की बड़ी बिल्डिंग में भी बंदे हैं, ठीक है। मेरे 2 बंदे तो फिनिश हो चुके हैं, एक नंबर 2 रहता है, वो भी अकेले ही खेल रहा होता है। तो यहाँ पर मुझे साउंड आता है कि सामने जो है ना बंदा, ये जो शेर है सीरिया में यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे एक नेट कुक करता हूँ, तो फेंकता हूँ नेट, कुछ ज़्यादा देरी कुक हो जाता है, हमारा लाडला बॉय भी चला जाता है, फिनिश हो जाता है। तो लेट हवा में पड़ जाता है, दूसरा नेट जो है ना मैं एग्जैक्ट टाइमिंग पे फेंकता हूँ, तो जाके जो उसके अच्छे में पड़ता है वो बना नोक हो जाता है। नोक बल्कि एक ही होता है, तो वो फिनिश हो जाता है। तो 11 किलोमीटर हो जाता है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ पहुँच जाता हूँ, लेकिन आगे घुसता हूँ तो मुझे साउंड आता है कि छत के ऊपर बंदे और भी बैठे हुए हैं होल्ड करके। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सीढ़ियों पे इसकी लूट वगैरह। ऊपर छत पे बंदा बैठा होता है, बस ऊपर नेट वगैरह कुकर होता हो ना, कि ऊपर वाले बंदे को जो है डाउन करो। इतनी देर में एक बंदा नीचे से रश कर देता है। और क्लोज रेंज मेरी इंतहाई टट्टी गेम है, पता नहीं क्या है यार। ये बंदा मेरे क्लोज आता है तो यहाँ पे जो है ना, मुझे मैं इसको इजीली यहाँ पे डाउन कर सकता था, पता नहीं क्या वो ऊपर से आ जाता है और उस बंदे के जो है ना मुझे जो है ना हेड कनेक्ट हो जाता है। मैं फिनिश हो जाता हूँ। फिनिश होता तो मैं वहीं पे जो है ना बदला लेने के लिए इधर उतर आता हूँ ना, इसी बंदे के ऊपर, इसी छत के ऊपर उतर आता हूँ। अब इसका एक टीममेट जम करके पीछे की तरफ जा रहा होता है, अल्लाह जाने किसके पास जा रहा होता है। ये उसका टीममेट है जिसको मैंने डाउन किया। इसको मैं यहाँ पे जो पहले तो टट्टी स्प्रे देता हूँ, लेकिन उसको मेरी लोकेशन नहीं पता लगती, तो जो है ना उसको नॉक करने में गेन कामयाब हो जाता हूँ। अली साहब इसका नाम होता है, अली के भी। तो दूसरा बंदा अब इसका वही है। मैं वेट कर रहा होता हूँ, वेट बना रहा होता हूँ कि ये इसको रिवाइव देने के लिए जाएगा तो मैं डाउन कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एमओ भी इतनी नहीं है कि मैं नीचे जाके फाइट लूँ। वन हेलमेट वैस भी बन गया है, तो वेट कर रहा हूँ। इतनी देर में ये बंदा स्मोक वगैरह करके ना अक्ल वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है और निकलता है अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। पहले स्मोक फेंकता है अच्छा वाला, अरे भाई अक्ल इस्तेमाल कर रहे हो। स्मोक फेंक के वायर लगा के जा रहा है मेरे सामने। बट्टी भाई को मैं डाउन करता हूँ यहाँ पे, और स्क्वाड का बंदा होता है वो सामने पत्थर से मुझे डाउन करता है वो, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं वन एचपी बच जाता हूँ। और मैं नीचे आता तो मुझे हीलिंग वगैरह पड़ी मिलती है, क्योंकि वो बंदा आ गया था जो मेरा टाइम मिल जाता है नीचे आने का। मैं नीचे से किट वगैरह उठा के लगाता हूँ, अपनी हीलिंग पूरी करता हूँ। इतनी देर में ना बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं, तो मुझे साउंड आ रहा होता है कि वो आ रहे हैं। तो इस बार मैं जो है ना समझदारी से खड़ा होता हूँ कि यार बैक वाली सीढ़ियों से ना आ जाए, दोनों तरफ देख रहा होता हूँ। तो ये बंदा मेरे से पहले भी डाउन हुआ हुआ ईगल भाई है शायद, जैसे ही बंदा आता है उसको मैं डाउन करता हूँ। DH ईगल भाई, हाँ ये मेरे से पहले भी डाउन हो चुके हैं, जिसमें मारा था खोते से उतरा था तो सामने खड़े थे। 14 किल मेरे हो जाते हैं, तो फिर मैं आगे आता हूँ। सामने वाली बिल्डिंग में ना बंदा होता है, काफ़ी देर से इसने 2-3 किल किए होते हैं, बंदा होल्ड करके बैठा होता है। मैं इसका वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये बंदा बाहर निकलता है उसको मैं डाउन कर देता हूँ। तो सामने एक बंदा जो है 1v3 कर देता है, ये आपको आनस भाई 1v3 वहाँ पे कर देता है, तो ये किलर आ जाता है। मैं स्पोर्ट कर देता हूँ उस भाई को, मैं यहाँ पे जो है ना डाउन कर देता हूँ। 1 HP होता है क्योंकि अभी भी इसने 1v3 किया हुआ होता है, तो बिल्कुल इसने हीलिंग वगैरह नहीं लगाई होती, तो मेरी नज़र में आ जाता है, तो उसको मैं डाउन कर देता हूँ। और ऐसे में 16 किल पर मिलता है विनर चिकन इनर। काफ़ी मज़े के क्या कहते हैं किल निकल आते हैं इसमें मेरे। रैंक मेरा जो है ना एस के मेरे हाल में 15-16 स्टार चल रहे हैं, केस डोमिनेटर चल रहे हैं ना। तो वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगेन ईद मुबारक। और माजरत है 2 दिन स्ट्रीम नहीं की, जो बंदे मेरी डेली स्ट्रीम पे आते हैं। तो इंशाल्लाह आज रात 10 बजे स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम पे मिलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।